Today we will do animal kingdom. In animal kingdom, first we will do Porifera. Porifera are those animals which are having pores in their whole body. पूरी body में इनके pores मिलेंगे और पोर्स मिलने के कारण इनको कंप्रेस किया जा सकता है. दे आर कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल. और सबसे पहले ये क्या है, दे आर परमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल. दे आर परमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल. सबसे पहले एनिमल है जो कि मल्टीसेलुलर है, परमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल. इसके बाद हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की. हैबिटेट इज मोस्टली मैरीन. मोस्टली वर्ड आया है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा परिसर है जो कि फ्रेश वाटर में भी रहता है. तो फ्रेश वाटर में मिलेगा स्पोंजिला. फ्रेश वाटर में जो मिलेगा उसको बोलेंगे स्पोंजिला. दे आर मोस्टली मैरीन. फ्रेश वाटर में मिल रहा है स्पोंजिला. इसके बाद अगर हम बात करें, दे आर लवर ऑफ वार्म वाटर. वार्म वाटर में ज्यादा सर्वाइव करते हैं. जैसे ही वाटर का टेम्परेचर कम होने लगता है स्पॉन्जिस की डेथ होनी शुरू हो जाती है. अब हम बात करते हैं इनमें कैविटी की. अब ये मैं स्पॉन्ज का थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूं. ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. इस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये मैंने आपको पोर दिखाए हैं. ये पोर है डर्मल ओस्टिया. डर्मल ओस्टिया और ये पोर मिलके एक कैनाल बनाते हैं. जैसे ये मैंने एक कैनाल बना दी. इन पोर की हेल्प से वाटर अंदर जा रहा है. उस वाटर में ऑक्सीजन है, उस वाटर में फूड मटेरियल है. तो यहाँ वाटर वही काम करेगा जो हमारी बॉडी में ब्लड करता है. ऑक्सीजन लेके जा रहा है, फूड मटेरियल लेके जा रहा है. फिर यहाँ मैं एक स्पेशल लाइनिंग बना रही हूँ सेल्स की. ये सेल्स हैं जिनको कोलर सेल बोलते हैं. कोलर सेल स्पंजिस का एक बहुत अच्छा करैक्टर है. जैसे ही कोलर सेल का नाम आएगा तो आप आराम से लिख सकती हैं कि ये स्पंजिस हैं सभी. ये पूरे में आपको लाइन करने हैं. ये कोलर सेल हैं. कोलर सेल होती कैसी हैं ये मैंने ड्रॉ किया. ये कोलर सेल है. इनमें ये सेल मेम्ब्रेन इस ढंग से डिजाइन है कि कोलर की अपीयरेंस देती है. और इसमें फिर एक बहुत बड़ा फ्लैजेला प्रेजेंट है. जैसे वाटर यहाँ है जिसमें ऑक्सीजन है, फूड मटेरियल है, कोलर सेल का फंक्शन है, सारे में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना. जैसे हमारे में हार्ट पंप करते हैं, यहाँ कोलर सेल उसको सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं. और ये एक बहुत बड़ी कैविटी है. कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस. इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील. और ये बहुत बड़ा छेद, इसको बोलते हैं ओस्कुलम. अब वाटर से ऑक्सीजन आई, फूड मटेरियल आया जिसको सेल्स ने ले लिया. डाइजेशन की अगर बात करें, डाइजेशन इसकी सेल के अंदर होता है. सेल के अंदर की डाइजेशन को बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इंट्रासेलुलर है. अब डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि इस छेद से बाहर निकल जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल. फिर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इसमें जनरल बॉडी सरफेस ही होता है. रेस्पिरेशन यही है. रेस्पिरेशन का मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना. तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. फिर हम बात करते हैं स्केलेटन की. अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं, हमारे में स्केलेटन बोन से बना होता है जबकि इनमें स्केलेटन बना हुआ है स्पिक्यूल्स. स्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटन हमें फ्रेमवर्क
प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटन के कारण ही हम मूव कर रहे हैं, यही स्पॉन्जेस में इनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इसके कारण ही मूव करते हैं। अब स्पिक्यूल क्या होते हैं ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे स्पिक्यूल भी हो सकते हैं, ऐसे स्पिक्यूल भी हो सकते हैं, इन सबको बोलेंगे स्पिक्यूल। और फिर ऐसे फाइबर भी प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर, ये मिलके स्पॉन्जिन का स्केलेटन बनाते हैं। तो स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है जो इनकी मूवमेंट के लिए जरूरी है। अब ये बने किससे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हुए हैं स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज, रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है अगर स्पॉन्ज को दो तीन हिस्से में तोड़ दिया तो ये स्पॉन्ज है ये टूट गया, हर पार्ट से न्यू स्पॉन्ज बन जाएगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने दो स्पॉन्ज लिए ए और बी, उनको अच्छे से क्रश किया, पाउडर बना लिया, पाउडर को मिक्स कर दिया अच्छे से। अब उस पाउडर को मसलिन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ होता है जैसे आप खाने वगैरह के ऊपर एक पतला सा वाइट कपड़ा रखते हैं उसको मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, उसमें से उसको छान लिया। कुछ टाइम के बाद ये सेल से उन्हें वापस दोनों स्पॉन्ज मिले जिनसे उन्होंने ये सेल ली थी, जिनसे उन्होंने पाउडर किया था, तो इसको बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन, दे शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेशन, मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी है इनमें, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेशन। फिर अगर हम इनके सेक्स की बात करें, दे आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के लिए एक वर्ड और आता है, दे आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है ये सिंबल मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दे आर फाउंड इन सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा जिसमें गैमीट बनते हैं, इनमें गैमीट बनते हैं और गैमीट को हम क्या नाम देंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट का फ्यूजन होता है, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में नहीं होती, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। और फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कुछ में इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वल स्टेज एब्सेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा इज एब्सेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा इज प्रेजेंट, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी जिसमें लार्वा रहेगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ मैं स्पॉन्ज का, एक स्पॉन्ज होता है यूट्रेक्टाइटा, यूट्रेक्टाइटा एक स्पॉन्ज है जिसको जापान में लोग मैरिज में गिफ्ट में देते हैं, इसमें मेल और फीमेल इकट्ठे रहते हैं, अगर मेल की डेथ हो जाए द्वारा रीजनरेट कर जाएगा, अगर मेल और फीमेल दोनों की डेथ हो जाए तो रीजनरेट नहीं हो गई, इसका मतलब होता है दे आर मेड फॉर ईच अदर, यू प्लेक्टेला इसको जापान में गिफ्ट में लेते हैं, बहुत महंगा गिफ्ट है ये। नेक्स्ट हम फाइलम करते हैं नाइजेरिया, नेक्स्ट फाइलम इज
नाइजेरिया। नाइजेरिया को हम सिनेट्रेट भी बोलते हैं। नाइजेरिया ये हमारा अगला फाइलम है जो कि स्पॉन्जिस से थोड़ा एडवांस है। स्पॉन्जिस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर था, सेल इकट्ठी मिलके सेल एग्रीगेशन कर रही थी। नाइजेरिया में टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू प्रेजेंट है, सेल मिलके टिश्यू बना रही है। फिर नाइजेरिया की बात करें अगर हम, नाइजेरिया में एक पर्टिकुलर टाइप की सेल प्रेजेंट है, इन सेल को बोलते हैं नाइटोब्लास्ट। नाइटोब्लास्ट ये एक्टिव सेल है। डायग्राम बना रही हूं मैं नाइटोब्लास्ट का, ये इस टाइप की सेल है नाइटोब्लास्ट। इनके अंदर एक ये कैप्स्यूल मिलता है, ये कैप्स्यूल है। कैप्स्यूल के साथ एक थ्रेड लिपटा हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी है, इसको नाइटोब्लास्ट बोला। और कैप्स्यूल को बोलते हैं नेमेटोसिस। ये सेल स्टिंगिंग सेल है, मिलती कहाँ है? जैसे सपोज मैं ये हाइड्रा का डायग्राम बना रही हूँ, ये हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं। इन टेंटेकल में स्टिंगिंग का मतलब होता है चिपकी हुई, ये मैंने बना दी। ये टेंटेकल्स में सेल बना दिए हैं। ये टेंटेकल में चिपकी हुई सेल्स हैं, तो इनको बोला नाइटोब्लास्ट। और इनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है जिसको बोला नेमेटोसिस्ट। जैसे ही कोई एनिमी आता है ये कैप्सूल को बाहर निकाल देती है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, इनसे ऐसे कैप्सूल बाहर निकला और ये इसमें थ्रेड जो है ये नीडल लाइक है। कैप्सूल में एक टॉक्सिन भरा होता है, टॉक्सिन को बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है बेटा? पॉइजन होता है। जैसे ही कोई एनिमी आएगा ये उसमें उस टॉक्सिन को सक्रीट कर देती है, एनिमी की डेथ हो जाती है। इन्हीं सेल के कारण ये अपना फूड कैप्चर भी करती है, फूड लेने में भी यही सेल हेल्प करती है। इनमें हिप्नोटॉक्सिन होता है। अब जब इन्होंने एक बार प्रे को खत्म कर दिया, अपने एनिमी को खत्म कर दिया, उसके बाद ये कैप्सूल दोबारा काम नहीं करेगा, तब इन्हें बोलेंगे नाइटोसिस। नाइटोब्लास्ट क्या है? ये एक्टिव सेल है और जब इनका काम खत्म हो गया ये इनएक्टिव होगी, तो इनको बोलेंगे नाइटोसिस। अब जो फाइलम का नाम है जिसको हमने नाइजेरिया बोला, नाइजेरिया नाम इन्हीं के कारण पड़ा है, नाइटोब्लास्ट और नाइटोसिस के कारण। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच सेल इज स्मॉलर, नेमेटोसिस्ट और नाइटोब्लास्ट? नेमेटोसिस्ट इज स्मॉलर। नेमेटोसिस्ट किसके अंदर मिलती है? नाइटोब्लास्ट के अंदर मिलती है। अब मैं आपको दो फॉर्म दिखाती हूँ, एक तो ये दिखाई हुई है, एक फॉर्म और दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बना दो। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखें, इसका कैरेक्टर है ये अम्ब्रेला लाइक है, इट इज अम्ब्रेला लाइक। सेकेंडली इट इज फ्री फ्लोटिंग। थर्ड इट इज सेक्सुअल। इसका कैरेक्टर देखें, ये है सिलेंड्रिकल, सेसाइल। सेसाइल का मतलब अटैच्ड है, फ्री फ्लोटिंग नहीं है। और थर्ड ये एसेक्सुअल है। सेक्सुअल फॉर्म को बोला हमने मेडूसा
और एसेक्सुअल को बोला हमने पोली। अब अगर हम जेलीफिश की बात करें, जेलीफिश हमेशा मेड्यूसा फॉर्म में मिलेगी, और अगर हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा हमेशा पोलिप फॉर्म में मिलेगा। फिर मैं आपको एक और एनिमल बताती हूँ, ओबिलिया। ओबिलिया में मेड्यूसा भी मिल रहा है और पोलिप भी मिल रहा है। ऐसे एनिमल जिनमें एक से ज्यादा फॉर्म मिलती है, जैसे मेड्यूसा और पोलिप दोनों मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की ये जो एनिमल है क्या शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। अब मेड्यूसा और पोलिप में रिलेशन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मेड्यूसा और पोलिप में रिलेशन है, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा पोलिप को देता है। पोलिप में रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप मेड्यूसा को देता है। इस प्रोसेस को जिसमें एक फॉर्म दूसरे को दे सकती है, मेड्यूसा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू पोलिप, पोलिप बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मेड्यूसा। इसके लिए टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच मेड्यूसा गिव राइज टू पोलिप, पोलिप गिव राइज टू मेड्यूसा। फिर एक लास्ट कोरल रिंग्स, आपने कहीं रिंग्स देखी होंगी जिनमें एक रेड कलर का स्टोन होता है जिसको मूंगा बोलते हैं, वो कोरल रिंग्स में बनता है। ऐसे एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जिसको नीलम बोलते हैं, तो ये किससे बनते हैं, पॉलिप से बनते हैं। पॉलिप अपने कुछ सेक्रीशन देता है, वो सेक्रीशन हार्ड होते चले जाते हैं और हार्ड होने के बाद वो ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोरल रीफ के बारे में एक बात करें, यहाँ मैक्सिमम एनिमल स्पीसीज मिलेंगी, मैक्सिमम एनिमल स्पीसीज, तो इसको हम बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी रिच साइट। कोरल रीफ दे आर द बायो डाइवर्सिटी रिच साइट। दिस इज ऑल अबाउट द नाइडेरिया। नेक्स्ट वी विल डू टीनोफोरा, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? तो सबसे पहले हम करेंगे फाइलम पोरीफेरा। इसका नाम जो ड्राइव है वो पोर से ड्राइव है कि पूरी बॉडी पे पोर होते हैं। आप देखो जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में आपको पोर भी दिख रहे हैं। दे आर जनरली मैरीन, जनरली वर्ड आ गया, जनरली वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली मैरीन होंगे, इसका मतलब इसमें एक्सेप्शन मिलेंगे, जो मैरीन नहीं होते फ्रेश वाटर में मिलते हैं। दीज आर स्पॉन्जिला, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। दीज आर परमिटिव मल्टी सेलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। परमिटिव वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मल्टी सेलर इम्पॉर्टेंट है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पर सेल एग्रीगेट में रहती हैं, उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे बनता है, ये जो इसकी पूरी बॉडी पे छेद हैं जिनको डर्मल ओस्टिया बोला है, वो मिलके वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, और जिनको कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो बॉडी में एक बीच में कैविटी मिलेगी जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। पूरी बॉडी में वाटर वही काम कर रहा है जो ब्लड हमारी बॉडी में करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फूड गैदर करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। फिर इसमें एक स्पेशल सेल होती है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पोरीफेरा, इनको बोलेंगे कोइनोसाइट और कोलर सेल, जो कि वाटर पोर से अंदर आता है, जो डर्मल पोर हैं उस वाटर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना कोइनोसाइट का काम है। डाइजेशन सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर। बॉडी में स्केल्टन है जो कि ट्रेंगुलर भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, जैसे हम स्केल्टन में बोन्स बोलते हैं, यहाँ स्केल्टन को
स्पिक्यूल बोलते हैं, इनके डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, और स्पॉन्जिन फाइबर। जो सेक्सेस हैं दे आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। फ्रेगमेंटेशन, स्पॉन्ज के कितने ही टुकड़े कर दो, हर टुकड़े से एक नया स्पॉन्ज बनेगा। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डिवेलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा मिलेगा, और जो लार्वा है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, ए डायग्राम देखो, यू साइकोन का है, बी यू स्पॉन्जिया, और सी है स्पॉन्जिला। अब इसमें आपने नाम याद करने हैं, जैसे साइकोन, साइकोन साइंटिफिक नेम है, साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ये एक्सेप्शन है, यू स्पॉन्जिया इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। तो ये पॉरीफेरा है, कल हम बाकी फाइलम भी करेंगे, तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर